एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जनरल साइंस की नई प्रैक्टिस सेट आपको देने जा रहे हैं। अभी तक आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग दे चुके हैं। आप वहां से इसके पीडीएफ लेके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा और वहाँ से इसके पीडीएफ लेकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम आपको देते हैं वो सारे कहीं ना कहीं से लिए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत नहीं है? Which of the following is not a hereditary disease? इनमें से कौन सा hereditary disease नहीं है? Actually यहाँ पे not छूट गया है। इसके options हैं thalassemia, color blindness, sickle cell anemia and cancer। तो इसमें जो thalassemia, color blindness और sickle cell anemia है, इन सभी को हम Mendelian disorder कहते हैं। मेंडेलियन, मेंडल आप जानते हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, और उन्होंने ही बताया था कि ये सारे हेरिडिटी डिजीज होते हैं, मतलब वंशानुगत डिजीज होते हैं, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड सिकल सेल एनेमिया। इसमें आप जानते हो कि डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ कैंसर ही एक ऐसा डिजीज है जो कि जीन से अफेक्टेड नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, रिकेट्स किसकी कमी से होती है? रिकेट्स डिजीज किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती है? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। आप जानते हो विटामिन ए की वजह से रतौंधी, जिसे आप कहते हो, नाइट ब्लाइंडनेस होता है इससे। विटामिन बी में आप जानते हो कि बहुत अलग अलग टाइप्स के विटामिन बी हैं, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स एंड बी ट्वेल्व। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे बी वन से आप जानते हो बेरी बेरी डिजीज़ होता है, बी ट्वेल्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बी ट्वेल्व की वजह से आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है, अगर बी ट्वेल्व की कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो पर्नीसियस एनीमिया यानी कि डिफॉर्म्ड ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इसको पर्नीसियस एनीमिया कहते हैं, एनीमिया हो जाता है इसकी डिफिशियंसी की वजह से। विटामिन सी आप जानते हो इसकी वजह से स्कर्वी होती है डिजीज़, तो विटामिन डी है जिसकी वजह से रिकेट्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच एसिड प्रेजेंट इन एंट्स या एंट बाइट में, मतलब चींटी के काटने से हमारे शरीर में कौन सा एसिड जाता है? इसके ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका, रैपनिंग ऑफ फ्रूट कॉज्ड ड्यू टू गैस, जिस मतलब फलों के पकने में कौन सा गैस हेल्प करता है? इसके ऑप्शंस हैं एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फलों के पकने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एथिलीन, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी ट्वेल्व में क्या उपस्थित होता है? विटामिन बी ट्वेल्व एक्चुअली एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और पोरफायरिन रिंग बनाता है। पोरफायरिन रिंग जैसे कि आपका क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह विटामिन बी ट्वेल्व का भी पोरफायरिन कम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है, और इसके जैसे आप जानते हो कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, वैसे ही विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं रेटिनॉल, थायमीन, नियासिन एंड स्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें आप जानते हो कि विटामिन सी, अभी मैंने कहा इसकी कमी से स्कर्वी नामक डिजीज होती है, तो इसमें जो आपका होगा वो होगा स्कॉर्बिक एसिड। वैसे रेटिनॉल भी होता है, रेटिनॉल विटामिन ए में प्रेजेंट होता है एंड
थायमीन विटामिन बी में प्रेजेंट होता है, नियासिन भी विटामिन बी का ही पार्ट होता है। ये सारे के आप आंसर हमें प्लीज़ करके बताइएगा कि थायमीन एंड नियासिन किस विटामिन में प्रेजेंट होते हैं। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर स्कॉर्बिक एसिड होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सैलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च एंड फाइबर। तो सैलीवा जो है वो एक्चुअली उसमें टैलिन होती है एंड टैलिन हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में। एक हाइड्रोलेज मतलब जो टैलिन होता है एक्चुअली हाइड्रोलिसिस का काम करता है, और 30% स्टार्च का ऑलमोस्ट पाचन जो है वो माउथ में ही हो जाता है, तो वहाँ पे ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद, इसके ऑप्शंस हैं स्फिग्नोमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर एंड स्फेरोमीटर। तो ब्लड प्रेशर जो है एक्चुअली वो स्फिग्नोमीटर की वजह से मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल मिर्च के तीखा होने का क्या कारण है। मतलब लाल मिर्च तीखा होता है, इसकी क्या वजह होती है। इसके ऑप्शंस हैं कैप्सिसिन, कैसिन, कार्सिनोजेन एंड बिटानिन। तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सेट में दिया हुआ है कि लाल मिर्च जो होती है वो हॉट क्यों होती है। तो इसका मैंने बताया था कि वो हॉट इसलिए होती है क्योंकि उसमें कैप्सिसिन प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ए। कार्सिनोजेन एक्चुअली सेल होता है जो कि कैंसर कॉज करता है, कार्सिनोजेनिक उसको कहते हैं हम, जो कैंसर कॉजिंग सेल होता है। ये जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की है कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। जैसे इसमें आपका ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पीडोलॉजी एंड वायरोलॉजी। तो इसमें एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ एंट्स को कहते हैं, पीडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं एंड वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस को कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फिश जो आपका होगा वो इक्थियोलॉजी होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट हैज़ मिथेन गैस। किस ग्रह के वातावरण में मिथेन गैस है। इसके ऑप्शंस हैं मंगल, बुध, बृहस्पति एंड जुपिटर। तो मिथेन गैस मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इसका आंसर होगा ए। इसीलिए इसको मार्स गैस भी मार्स भी कहते हैं और मिथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्यूचर मेटल इज कॉल्ड। भविष्य का धातु किसे कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं टाइटेनियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम एंड आयरन। तो जो यूरेनियम है इसको हम बोलते हैं भविष्य का धातु, मतलब भविष्य आने वाले भविष्य में यूरेनियम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है, इस वजह से इसका नेम हम एक्चुअली रखते हैं फ्यूचर मेटल। अगला क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड आइटम। भोजन को सुरक्षित रखने में किसका यूज होता है। इसके ऑप्शंस हैं साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम क्लोराइड। तो किसी भी तरह का जो एसिड होता है वो किसी को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट, ये प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रेजेंट इन वाटर गैस। इसके ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, सी है ए एंड बी एंड डी है आपका मीथेन। तो जो वाटर गैस है एक्चुअली इसको बोलते हैं CO+H2, इस तरह से इसको बोलते हैं वाटर गैस। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, जो होता है CO+N2। CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं और ये आपका वाटर गैस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रेजेंट इन लाफिंग गैस। लाफिंग गैस में क्या प्रेजेंट होता है। इसके ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जो लाफिंग गैस है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
फिलामेंट इज मेड ऑफ, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसके ऑप्शंस हैं टंगस्टन, लेड, नाइक्रोम एंड एल्युमिनियम। बिजली का बल्ब जो है वो एक्चुअली टंगस्टन का बना होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है, बहुत जल्दी ये मेल्ट कर जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के कान के लायक ध्वनि का उच्चतम स्तर क्या होता है, हाईएस्ट लिमिट ऑफ ऑडिबल साउंड। इसके ऑप्शंस हैं 85 डेसिबल, 85, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल एंड 45 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है आपका, मैकेनिकल वेव निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ध्वनि, प्रकाश, रेडियो एंड अल्ट्रासाउंड। तो मैकेनिकल वेव का मतलब होता है जिसके फ्लो के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत हो। तो आप जानते हो कि जो लाइट होता है वो, उसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आपका मैकेनिकल वेव नहीं होगा। रेडियो वेव भी वैसा ही होता है, अल्ट्रासाउंड भी इसी तरह का होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ध्वनि। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन विच टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट इज इक्वल, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट बराबर हो जाता है? इसके ऑप्शंस हैं +40, -40, 80 एंड 96। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सिर्फ। विच इज, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज प्राइमरी कलर, मुख्य रंग कौन सा नहीं है? एक्चुअली यहाँ पे नॉट आपका छूट गया है। विच इज़ नॉट द प्राइमरी कलर, इसके ऑप्शंस हैं रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। तो आप जानते हो कि रेड मतलब विजिबल लाइट में जो भिपजियोर होता है आपका, उसमें जनरली रेड, ब्लू, ग्रीन रहता है, सिर्फ ब्लैक नहीं होता। तो इसका, और जनरली ब्लैक को हम प्राइमरी कलर नहीं मानते हैं, वाइट कलर को प्राइमरी कलर माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जाएँ। आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।